life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा है सभी को ये अच्छे होंगे। तो यहाँ पे है मॉर्निंग का टाइम और मैं करा रही हूँ आरब को ब्रश। सुबह हो चुकी है और टाइम की अगर बात करूँ तो बज रहे हैं सुबह के 8। तो यहाँ पे हम लोग फ्रेश हो गए हैं, नहा लिया है, बस आरब को मैं अभी फ्रेश कर रही हूँ, थोड़ी देर पहले ही वो उठा है। यहाँ पे आरब अच्छे से फ्रेश हो गया है। सुबह के टाइम में मैं उसे एक बार थोड़ा कॉम वगैरह भी कर देती हूँ तो एकदम लगता है कि नहा लिया है सुबह सुबह। तो अभी मैं इसे सुबह के टाइम में नहीं नहला रही हूँ, थोड़ा सा इसका तबीयत भी बिगड़ा हुआ है और वेदर भी इस टाइम पे ठंडा रहता है। और यहाँ पे सारे फिश ना मस्ती से झूम रहे थे तो मैं आप लोग को दिखा रही थी। थोड़ा सा ही मैंने खाना वगैरह डाला था इसमें। और यहाँ पे हम लोग किचन में बना रहे हैं ब्रेकफास्ट। तो आज ब्रेकफास्ट में दाल बन रहा है, चना दाल, और साथ में रोटी दोनों ही है हम लोग किचन में। और आरब के लिए थोड़ा सा सूजी का हलवा भी मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे वो फ्रेश होने के बाद उसे मैंने देखिए गर्म पानी दिया है तो ये अभी गर्म पानी पी रहा है। यहाँ पे किचन में चल रहा है खाना बनने का सब तैयारी। तो यहाँ पे किया सूजी का हलवा बन रहा है, बाकी नाश्ता वगैरह सब बन चुका है और घर में बहुत सारे गेस्ट भी हैं, मामी लोग भी आई हुई हैं। तो यहाँ पे देखिए घर के बने हुए लड्डू हैं, ये बूंदी से मतलब घर में प्रॉपर बूंदी वगैरह बना के बनाई है और मामी ही लेके आई हैं, तो मामी यहाँ पर रेडी हो रही थी। तो यहाँ पे हमारा नाश्ता भी बन चुका है, सूजी का हलवा। मैंने हल्का सा आरब को भी इसी यही वाला खिला दिया था। उसके बाद यहाँ पे हम और मामी सब्जी कट कर रहे हैं, मामी साग कट कर रही है और मैं यहाँ पे प्याज बना रही हूँ क्योंकि आज घर में बनेगा मटन, तो इस वजह से हम लोग थोड़ा सा कटछट करके रख ले रहे हैं। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। और अभी हो रहा है शाम के 4। हम लोग आए हुए हैं घूमने के लिए कांके डैम। तो यहाँ पे हम लोग के घर के जस्ट बाजू में काफ़ी बड़ा एक डैम है, तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कांके डैम के अंदर क्या क्या है। वेदर ना बहुत अच्छा किया है अभी देखिए, जबकि ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, 4 ही बज रहे हैं और मौसम बारिश जैसा हुआ है, थोड़ा बूंदा बूंदी बारिश भी चालू हो गया है। तो मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं बारिश ज़ोरदार ना हो जाए, तो थोड़ा थोड़ा ही था, फिर बंद हो गया। तो हम लोग डैम के आगे साइड में जा रहे हैं, ये पीछे साइड से हम लोग एंट्री कर रहे हैं। तो ये कुछ इस तरह का ना बना हुआ है, मतलब फ़ोटोशूट के लिए काफ़ी अच्छा। तो हम लोग अभी हैं कांके डैम में और पहुंच गए हैं अभी थोड़ी देर में, तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। और थोड़ा थोड़ा बारिश भी होना स्टार्ट हो गया है, बूंदा बूंदी बारिश सब शुरू हो गया है। कांके डैम के जस्ट पीछे में है रॉक गार्डन, तो यहाँ पे मैं नहीं गई हूँ और कभी आऊँगी तो फिर मैं आप लोग को दिखाऊँगी। रॉक गार्डन के जस्ट बगल में ही है कांके डैम और यहाँ पे टिकट भी लेना पड़ता है। तो हम लोग 5 लोग हैं, 50 रुपीज़ हमने कटवाया है टिकट, 5 टिकट तो कम ही है, मतलब टिकट का ज़्यादा प्राइस वगैरह नहीं है। तो जैसे ही हम लोग गेट में एंट्री करते हैं ना, वहाँ पे देखिए बच्चों का खेलने के लिए बहुत सारी चीज़ बनाए गए हैं, बच्चों लोग के लिए मतलब झूले वगैरह भी हैं, स्लाइडर भी हैं। आओ बैठो, छोड़ो नहीं है, अच्छे बड़े बच्चों में काउंट हो रहा है। आओ असो आ।
मैं आपको पूरा व्यू दिखाती हूँ यहाँ से। तो जस्ट हम लोग घुसे हैं वहीं से मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, कुछ इस तरह का यहाँ पे है। डैम अच्छा खासा बड़ा है और आप लोग देख सकते हैं ये जो मैं जहाँ से आप लोग को दिखा रही हूँ ये थोड़ा सा ना गहरा कम मुझे लगा। उसके बाद अंदर साइड में बोट वगैरह भी है, बोटिंग भी यहाँ पे होता है, पैडल बोट। तो यहाँ पे काफ़ी सारे कॉलेज के, स्कूल के भी काफ़ी सारे बच्चे लोग आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए, और बड़े लोग भी आते हैं। आज तो वीकडे में हम लोग आए हैं तो मुझे कुछ खास भीड़ वगैरह नहीं लगा, वीकेंड में भीड़ वगैरह होता है तो हम लोग के पास टाइम नहीं था, इसलिए हम लोग वीकडे में ही आए क्योंकि हम लोग वीकेंड में निकल जाएंगे यहाँ से। और यहाँ पे सनसेट का टाइम हो रहा है, बादल चारों तरफ से घिरा हुआ था, काफ़ी सुंदर लग रहा था। यहाँ पे करीब हम लोग एक घंटा के करीब थे यहाँ पे, तो सब थोड़ा देर बैठे, रिलैक्स वगैरह किए। वोटिंग हम लोग नहीं किए और ना करने का रीज़न है आरब, क्योंकि उसको भी वोटिंग करना था, इस वजह से हम लोग कैंसिल कर दिए। तो अगर हम लोग वोट पे जाते तो उसे भी मन करता, इस वजह से हम लोग नहीं गए। और यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। तो यहाँ पे मैंने बहुत कोशिश किया आरब का एक फ़ोटो क्लिक करने का, बट वो खड़ा ही नहीं हो रहा था, बार बार भाग रहा था। उसके बाद यहाँ पे जस्ट काके डैम के बाहर ही ना इतनी सारी सब्जी लगे हुए रहते हैं ना, और सबको लग गया थोड़ा थोड़ा भूख। तो यहाँ पे ना गर्मा गर्म आलू चॉप और समोसा छना रहा था, तो हम लोग यहाँ पे आलू चॉप खाने के मूड में घुसे हैं और काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब झारखंड का मुझे आलू चॉप समोसा ना बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा खाया और थोड़ा सा पार्सल भी कर लिया है, तो मैं एक समोसा और एक आलू चॉप खा रही हूँ। और ये देख सकते समोसा और आलू चॉप का साइज़ ना काफ़ी बड़ा था, बहुत टेस्टी भी था। आरब तो नहीं खा पाया, उसे थोड़ा तीखा लगा, तो उसकी जगह पे मैं ही खा ली उसका वाला। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो को मैं एंड कर दूंगी यहीं पे। आशा करूंगी आप सबको आज का छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। हम लोग घर पहुँच चुके हैं और ये चल रहा है डिनर का तैयारी। तो चलिए वीडियो को मैं एंड करती हूँ यहीं पर, फिर मिलूँगी कुछ नई ब्लॉग में। तो आज के लिए बाय बाय।